नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय के रूप में सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ द्वारा शौर्य दिवस की संध्या पर ग्वालियर के महाराज बाड़े पर एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें देश के शहीदों को नमन किया गया और देशभक्ति के गीतों की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। सीआरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि गुजरात के सरदार और टाकरन ऑफ गुजरात भी कहते हैं, चौकी पर पाकिस्तान की सेना ने 1965 में अचानक हमला किया था, जिसका सीआरपीएफ ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान की सेना लौटने पर मजबूर कर दिया गया था। तब फिर 9 अप्रैल को सीआरपीएफ द्वारा हर वर्ष शौर्य दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य पे ग्वालियर में यह आयोजन हुआ है। सर, आज बैंड की प्रस्तुति दी गई है, किस उपलक्ष्य पे दी गई है? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा ये बैंड डिस्प्ले का प्रोग्राम यहाँ पर किया गया है। तो इसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ सीआरपीएफ का शौर्य दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी सेना के द्वारा अचानक और सुनियोजित हमला किया गया था। सरदार एवं टाक पोस्ट नाम की हमारी दो चौकियाँ थी गुजरात के कच्छ ओपरन में। उस हमले को हमारी सीआरपीएफ की दो कंपनियों ने न केवल नाकाम किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण उनके दांत खट्टे हो गए और उनको पीछे लौटना पड़ा। ये किसी भी युद्ध के इतिहास की पहली और अनूठी अद्वितीय घटना है, जिसमें एक पैरामिलिट्री फोर्स की छोटी सी टुकड़ी ने किसी सेना के सुनियोजित हमले को नाकाम किया हो और उन्हें वापस लौटने मजबूर किया हो। तो उन वीर जवानों के शौर्य को याद करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए और जवानों को जन जागरण में ये मैसेज देने के लिए कि हमारे बहादुर जवानों ने किस प्रकार से पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया था, ये बैंड का डिस्प्ले का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है। और कोई अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे? जी, इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम हमारे यहाँ किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी कल हमारे यहाँ गेट नंबर 1 पर पनिहार में ये प्रोग्राम किया गया था। जन जागरण को ये सूचना दी गई थी किस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो उनकी यादें हमारी चेतना में बनी रहें और जन जागरण को हम सभी को ये पता रहे कि किन कुर्बानियों के बाद में, किन बलिदानों के बाद में आज हमारा देश सुरक्षित है और हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। सर, आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र कुमार यादव, सहायक कमांडेंट सीआरपीएफ ग्वालियर कैंप से आया हूँ और हमारे डीआईजीपी सर श्री पीसी श्रीवास्तव जी के निर्देश के अनुसार हम यहाँ पर बैंड डिस्प्ले प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।